गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे पीजीटी के मॉक 3 पर। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट है आज के इस क्विज में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो कौन सी नहीं है? यह जाति समूहों से संबंधित है, यह सामाजिक गतिशीलता की ओर संकेत करती है, इसके एक से अधिक आयाम है, यह एक ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ए बी सी तीनों हो जाएगा, लेकिन जो ये डी वाला है यही नहीं होगा, ठीक है। तो यह क्या है? यह ऋतु जनन संबंधी परिवर्तन नहीं है, यह हमेशा होता रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि उस एक को चिन्हित करें जो ग्रामीण नगर दोनों के पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता है, ठीक है। तो यानी एक ऐसे को हमें देखना है कि जो ग्रामीण और नगर, ठीक है, अर्बन एंड रूरल दोनों को क्या करता है, उसके पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता है। तो क्या करता है फ्रेंड्स? नगरीकरण या अंतरदेश मलिन बस्ती या ग्रामीण नगर सातत्व। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? देखिए, ग्रामीण नगर सातत्व, ठीक है, रूरल अर्बन कंटिन्यूम, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत कथन बताइए, यानी इसमें में से कोई एक गलत है, ठीक है। तो उसे हमें देखना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। तो यह पीजीटी में पूछा जाता है कि भारत कौन सा राज्य है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, यानी यहाँ किसी धर्म को प्रधानता नहीं दी गई है, ठीक है, यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। यानी एक इसमें टर्म्स पूछा जाता है, मैं भी देख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि धर्म निरपेक्षीकरण का अर्थ क्या होता है, तो यह पीजीटी 2016 में भी आया हुआ था और 2011 में भी आया हुआ था, ठीक है। तो और बहुत बार ये यह क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि लोग इसको सही से देखते नहीं है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, यह जब क्वेश्चन आया था तो उसमें दिया गया था कि सभी धर्मों को समान सम्मान देना, किसी धर्म में विश्वास न करना, या प्रत्येक धर्म के प्रति जो है नफरत करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पता चल रहा है, तो ये जो धर्म निरपेक्ष राज्य होते हैं या क्या करते हैं कि सभी धर्म को, यहाँ पे सभी धर्मों को समान रूप से क्या किया जाता है, महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा तो ये हो गया सही है, ठीक है। तो यानी ये तो गलत है नहीं। संस्कृतिकरण क्या है? एक प्रक्रिया है, भी आपने ऊपर देखा, यानी एक प्रोसेस है, ठीक है, चलती रहती है, ठीक है। जैसे एक सामाजिकरण एक प्रक्रिया होती है, जैसे संस्कृतिकरण भी एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो यानी क्या हो गया? ऑप्शन डी भी हमारा सही है, ठीक है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी सही है, और संस्कृतिकरण क्या है, एक प्रोसेस है, ये भी सही है। और हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की है, ठीक है। तो हरित क्रांति जो कृषि उत्पादन में स्वामी रामनाथन ने जो किया हुआ था, तो इससे क्या हुआ था, इससे वृद्धि तो हुई ही है ना। तो हरित क्रांति से कृषि उत्पादन में वृद्धि भी हुई है। और आधुनिकीकरण जो है वो क्या है कि पाश्चात्यकरण से भिन्न है, ठीक है। तो आधुनिकीकरण पाश्चात्यकरण से भिन्न है, यह भी सही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल करेक्ट है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑल करेक्ट है। तो इसमें चारों सही है, इसमें गलत कोई नहीं है। तो इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, यानी इसमें कोई गलत नहीं है। तो इसमें गलत सारे क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं, सारे जो ऑप्शन हैं वो सारे करेक्ट हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी सब सारे सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, यह क्वेश्चन डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। तो आप इसमें चारों सही हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उन पर विचार करना है, ठीक है। तो देखिए, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, ठीक है। तो भारत में जो ग्रामीण बेरोजगारी है ये नगरीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गाँव से पलायन करने का एक प्रबल प्रतीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कथन में, कथन को बहुत ध्यान से पढ़ना रहता है, ठीक है। भारत में जो ग्रामीण बेरोजगारी है ये नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। और भारत में जो आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग किया गया है या भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रतीक होता है, ठीक है। क्या होता है? एक प्रबल प्रतीक होता है,
देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें हमें सही उत्तर का चयन करना है, यानी इसमें देखना ये कह रहा है कि आ सही है बा गलत है, या बा सही है आ गलत है, आ और बा परंतु बा वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता, और D4 में कह रहा है कि दोनों आ एवं बा सही है और वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या करता है। तो पहले फिर से हम एक बार कथन को देखेंगे कि भारत में जो ग्रामीण बेरोजगारी है वो नगरीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग किया जा रहा है भूमिहीनों के लिए गाँव से पलायन करने का एक प्रबल प्रतीक है, तो सही बात है, दोनों कथन कारण और सही कथन और उसका कारण दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि नगरवाद एक जीवन दर्शन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, नगरवाद एक जीवन दर्शन है, एक जीवन विधि है, ठीक है, यह धारणा किसने की है, तो यह किसने की है फ्रेंड्स, ये की है लुईस विर्थ ने, लुईस विर्थ, ठीक है, ये इन्होंने कहा था कि नगरवाद एक जीवन दर्शन है या नगरवाद एक जीवन विधि है, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है, जो भारतीय संविधान है हमारा उसमें जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए क्या आधार है, ठीक है, तो क्या आधार रखा गया है उनके लिए, उनके लिए देखिए अभी ये अभी जो आया था ये GDC का जो पेपर हुआ था लोक सेवा आयोग का, उसमें भी यह प्रश्न आया हुआ था, ठीक है, तो निर्धनता, परंपरागत व्यवसाय, भूमिहीन भूमिजोत जो क्षेत्र है, और सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो दिया गया है भारत संविधान के अकॉर्डिंग पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, उनमें उसमें ये दिया गया कि सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन, ठीक है, उसमें कभी कभी आर्थिक भी दे देते हैं, राजनैतिक दे देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, उनको जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होते हैं उनको जो है आधार बनाया गया है, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जब सामाजिक परिस्थिति परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवांशिकता के आधार पर होता है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है, ठीक है, तो किस प्रकार से जाना जाता है, जब जो सामाजिक परिस्थिति है हमारी उसका निर्धारण जन्म और आनुवांशिकता के आधार पर हो, ठीक है, तो इस प्रकार के जो सामाजिक परिस्थिति है उसको क्या कहेंगे, वर्ग स्त्रीकरण, जो है वर्ण स्त्रीकरण या वर्ग स्त्रीकरण या खुला स्त्रीकरण या बंद स्त्रीकरण, तो फ्रेंड्स ये जो होता है क्या होता है, बंद स्त्रीकरण कहा जाता है, ठीक है। ओपन जो स्त्रीकरण होता है, या तो जैसे कोई IAS बनना चाह रहा है या PCS बनना चाह रहा है तो वहां पे ओपन स्त्रीकरण है ना, खुला स्त्रीकरण, वर्ण स्त्रीकरण ये सब तो है ही, लेकिन जो जाति में जो हम जन्म लेते हैं यानी वो हमारी क्या होती है, प्रदत्त परिस्थिति होती है और एक अर्जित परिस्थिति होती है, ठीक है, तो जो प्रदत्त परिस्थिति होती है फ्रेंड्स ये बंद स्त्रीकरण कहलाती है, ठीक है, यानी यहाँ पे हमें नहीं पता होता है किसी को कि हम कहाँ पे जन्म ले रहे हैं और कहाँ पे हमारा पालन पोषण होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये प्रदत्त है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जाति का आधार क्या है, तो जाति का आधार क्या है, तो क्या है फ्रेंड्स, ये जन्म है, ठीक है, यानी वही सेम चीज हो गई ना, यह भी तो प्रदत्त हो गया, अरे भाई आप किस जाति कुल धर्म में आप पैदा हो रहे हैं, तो ये तो प्रदत्त है, किसी को पता थोड़ी ना है, तो जाति का आधार क्या है, जन्म है, ठीक है, तो यानी जन्म के आधार पर ही वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, शूद्र, तो ये सब किसमें किसका जन्म होगा या किसी को पता नहीं है, ठीक है, तो यह एक प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवांशिक होता है तो हम उसे जात कहते हैं, यह डेफिनेशन बहुत बार आई है एग्जामिनेशन में, ठीक है, PGT में भी, हायर में भी, नेट में भी, ठीक है, तो जब एक वर्ग कुछ दृढ़ता के साथ आनुवांशिक होता है तो हम उसे जात कहते हैं, ठीक है, तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स, ये कहा है CH कुले महोदय ने, ठीक है, किसने कहा है, CH कुले महोदय ने, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को अमल में लाया गया था, ठीक है, तो यानी हमें उस वर्ष को बताना है जिस वर्ष समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लाया गया था, ठीक है, तो ये कब लाया गया था फ्रेंड्स, ये लाया गया था 1980 में, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, यानी जो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम थे उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, श्रम समस्याओं के समाधान के लिए, ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए,
या निर्धनता उन्मूलन के रूप में, ठीक है। तो सबसे जो पहला इसका उद्देश्य था फ्रेंड्स, वो था निर्धनता के उन्मूलन के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, जो पंचायती राज सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव पंचायत चुनाव कब हुआ था, ठीक है। तो ये बताना है कि जो प्रथम बार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ था पंचायत का, वो कब किया गया था, ठीक है। तो ये कब किया गया था फ्रेंड्स, 1995 में, 1995 में, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से पंचायती राज सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारा अगला भी जो क्वेश्चन है वो है कि क्षेत्रीय विस्तार, यानी ये भी पंचायती राज सिस्टम से ही संबंधित है। क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन है, ठीक है। तो किस किस अकॉर्डिंग ये मतलब विकसित है, ये हमें बताना, ठीक है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है पीजीटी में, ठीक है। तो इसमें जो फ्रेंड्स राइट हो जाएगा, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले वो हो जाएगा, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है, ग्राम पंचायत से, ठीक है। कहाँ से होती है, ग्राम पंचायत, फिर जो खंड विकास समिति होता है, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है, जिला परिषद, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राम, फिर खंड विकास समिति, और फिर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो जिला परिषद, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है। अभी ये जो बीच में एग्जाम हुआ था पीजीटी का, तो इसमें जो है पूछा गया था कि जो ग्राम प्रधान है उनकी क्या एज अकॉर्डिंग है, ठीक है, रखी गई है। और इसमें पूछा गया है कि भारत में जो मताधिकार है उसकी न्यूनतम आयु क्या है, तो वो क्या है फ्रेंड्स, वो है 18 इयर्स, ठीक है, 18 वर्ष। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्य कितने वर्ष का है, ठीक है। तो जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनका न्यूनतम कार्य कितने वर्ष के लिए है, तो ये है कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सारे प्रश्नों को निकालने की कोशिश की गई है कि जो कुछ भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और लगभग लगभग क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है, ठीक है। तो जो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है फ्रेंड्स, वो रखी गई है 21 ईयर्स, यही प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो और भी प्रश्न इसी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं कि कौन से प्रश्न पूछ लिए जाए, क्योंकि आपके सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है। तो सारे जो है इस यूनिट से सारे प्रश्नों को लगाने की कोशिश की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दंड का ऐसा कौन सा सिद्धांत है, दंड का कौन सा सिद्धांत ऐसा है कि जो जैसे को तैसा, ठीक है, जैसे को तैसा नियम का अनुपालन करता है, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रतीकात्मक, प्रतिशोधात्मक, सुधारात्मक या प्रतिशोधात्मक, ठीक है। तो ये कौन सा नियम फॉलो करेगा, ये करेगा प्रतिशोधात्मक, ठीक है। देखते नहीं है, अगर जैसे कहीं पे गांव वगैरह में देखते हैं, जो ये हमारा जो प्राथमिक समाज होता है, इसमें क्या होता है कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ठीक है। यानी अगर कोई मारपीट हुई तो वो भी उनको मारे पीटे, ठीक है। लेकिन जो हमारा द्वितीयक समाज होता है, यानी जो जैसे वहां पर क्या होता है, वहां पे देखिए जो ये औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है, ठीक है। तो अनौपचारिक में क्या होता है कि वहां पे नियम कानून होते हैं, ठीक है। यानी आपने किसी को मारा या किसी को कुछ भी कहा, तो उसके लिए एक बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि आपको इतने की सजा हो जाएगी, या मतलब इतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है, पैसे वगैरह जो भी चीजें हैं। और यहाँ पर जो 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 अनौपचारिक होता है, वहां पे क्या होता है कि उसने मारा तो आपने भी उनको दो थप्पड़ मार दिया, ठीक है। नहीं, बदले बदले की भावना होती है वहां पर, अनौपचारिक चीजें होती हैं। जबकि वही द्वितीय समाज में क्या होता है, वहां पे औपचारिक होता है, ठीक है। तो यानी जो जैसे का तैसा जो नियम है, ये कहाँ पे क्या होगा, इसमें प्रतिशोधात्मक में, ठीक है। तो प्रतिशोधात्मक यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व राज्य की कल्पना किसने की है, ठीक है। बहुत बार हमें तो लग रहा है 5-6 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व राज्य की कल्पना किसने की हुई है, ठीक है। तो किसने की हुई है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, महात्मा गांधी, अरविंदो, मार्क्स या सूत्र, ठीक है। तो जो विश्व राज्य की परिकल्पना की थी वो किसने की थी फ्रेंड्स, वो की थी अरविंदो महोदय ने, किसने की थी, अरविंदो। जबकि वहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाँव की ओर लौटो, ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है, और अरविंदो ने विश्व राज्य की कल्पना की थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी है, ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
एकांतिक नाभिकीय परिवार, यह किसने कहा है? ठीक है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी है? ये दी है पार्सन्स महोदय ने। ठीक है, किसने दिया है? पार्सन्स महोदय ने। और तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसने कहा कि जो सहयोग है वह शांतिपूर्ण संघर्ष है, या किसका कथन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, लंग कर लीजिएगा अच्छे से, कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसने कहा? यह कहा है फ्रेंड्स ग्रीन महोदय ने। किसने कहा है? ग्रीन। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की जो क्विज थी वो यहीं पे हमारी समाप्त होती है। आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।